पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने 33 साल बाद पहली बार सेना की जंगी तैयारी को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया था। हालांकि चीनी सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया। ऐसे में चीनी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद LAC पर चीनी सेना जिस तरह की हरकतें कर रही है और चीनी सरकारी अखबार जिस तरह भारत को हर रोज युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां कम नहीं बल्कि और बढ़ाई हैं। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का ये स्तर वर्ष 1987 में हुआ था, क्योंकि उस समय सुमदो रोंगचू घाटी में दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और युद्ध की नौबत आ गई थी। बता दें, चीनी सेना में अलर्ट के 4 स्तर हैं। पहला स्तर उस समय लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडरों को लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो चीन ने युद्ध के स्तर से सिर्फ एक स्तर नीचे यानी सेना को दूसरे अलर्ट मोड में रखा है। इसके अलावा पेंगोंग में फायरिंग की घटना के अगले दिन PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड ने 8 सितंबर को वीवो पर जारी बयान में कहा था कि उसे और ज़्यादा सैनिक तथा हथियारों की तैनाती का आदेश हुआ है। तो वहीं चीनी सेना ने कहा कि उसने कई युद्ध अभ्यास शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि तैयारी स्तर बढ़ा दिया गया है, इसलिए कमांडर अधिकारी एवं सैनिक 24 घंटे और ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा चीनी सेना के सूत्र ने कहा कि सबसे खराब परिस्थिति की तैयारी के लिए चीन ने और ज़्यादा सैनिक और हथियार LAC पर भेजे हैं। एक अन्य सूत्र ने कहा कि हालांकि सतर्कता के स्तर को घटा दिया गया है, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो इसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो वहीं कनाडा की सैन्य मैगजीन कनवा डिफेंस रिव्यू ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बताया कि चीनी सैनिक पेंगोंग झील के आसपास बड़े पैमाने पर तैनात हैं। पत्रिका के एडिटर आंद्रेई चांग ने कहा कि PLA के JH-7 बॉम्बर अग्रिम मोर्चे के एयरपोर्ट पर हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, जो इस बात का इशारा है कि वे एक्शन के लिए तैयार हैं। ऐसे में मुझे डर है कि ये झड़प एक सामान्य बात हो सकती है और LAC एक और कश्मीर में बदल सकती है।